एटा से है, जहां एटा अलीगंज मार्ग पर शुक्रवार की देर रात बस और ट्रक में टक्कर होने से 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों व स्थानीय पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार बागवाला थाना क्षेत्र के गांव किलर मऊ के पास फर्रुखाबाद से आनंद विहार जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे रोडवेज में सवार 26 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही SDM सदर शिव कुमार सिंह, ADM प्रशासन आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी नगर कालू सिंह, बागवाला थाना प्रभारी विनोद कुमार, पटियाली गेट चौकी प्रभारी रितेश ठाकुर सहित पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी यात्रियों का हाल चाल जानने जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं। अरे, जो हादसा हुआ है बस जो टकराई है ट्रक से, वो कैसे टकराई है, आप कहाँ जा रहे थे? बस सीधी ट्रक तो खड़ा था, ट्रक वहाँ पे खड़ा था और बस आ रही थी सीधी, तो खड़े ट्रक में सीधी सीधी बस लगी। जब ट्रक खड़ा था पहले से ही, तो बस स्पीड में थी, तो एकदम से जाके कंडक्टर को पहले ही पता लगा, कंडक्टर तो कूद के भाग गया और बस जाके सीधी टकराई। नींद आ गई थी ड्राइवर को? पता नहीं है, तो नहीं पता नींद आ गई थी कि नहीं, लेकिन बट ऐसा ही लग रहा था जैसे नींद आ गई थी, क्योंकि नहीं नींद आई होती तो ट्रक तो साइड से खड़ा था और उसने उसके सामने सामने चला। लगभग कितने लोग घायल हुए? लगभग ऐसे 40 लोग। 40 घायल हुए? हाँ, समथिंग 40। फर्रुखाबाद रोड में डिपो की एक बस आ रही थी, और उसका जो है एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का आगे पहिया फट गया था, उसकी वजह से जो उसका उससे एक्सीडेंट सर, जो यहाँ भर्ती है एटा में सर, उनकी कंडीशन किस तरह की है सर? स्टेबल है कंडीशन, कुछ लोग रेफर भी किए गए हैं। हाँ, 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है, थोड़ा सा गंभीर। टोटल कितने घायल हैं सर? 25 लोग घायल हैं सर। ऑन स्पॉट का स्थिति सर, ट्रैफिक सुचारू है सर? हाँ, ट्रैफिक।